हर फसल के तरह सामर मूंगबीन में भी खरपतवार एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। खरपतवार में प्रमुख है साठी, लहसुआ, हजारदाना, जंगली चुलाई, जंगली जूट, मोथा, बाइपर घास, मकड़ा इत्यादि। मूंग का शुरू में वृद्धि कम और हाइट कम होने के कारण इन सब खरपतवार का दबदबा बने रहती है और ठीक समय पे इन सब खरपतवार का नियंत्रण ना किया गया तो मूंग का उपज में भारी मात्रा से नुकसान पहुंचाती है। खरपतवार नियंत्रण का बहुत सारे विधियाँ है, जैसे हाथ से निकालना, शून्य जुताई विधि द्वारा फसल, मेड़ों में खेती, अंतर फसलीकरण, मिश्रित फसलीकरण, फसल अवशेष का बिछावन और खरपतवार नाशी होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए शुरू में मूंग के बुआई का एक दो दिन बाद पेनिमिथिलिन नामक एक दवाई का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर का हिसाब से छिड़काव करना पड़ता है। अभी सभी खेतों में मूंग करीब करीब 20-25 दिन का आसपास होंगे। इस समय इमाजेथाफिर नाम का एक दवाई 75 ग्राम इमाजेथाफिर प्रति हेक्टर का हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। 350 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर इनका छिड़काव होना चाहिए और छिड़काव के समय कम से कम जो नैपसैक स्प्रेयर वो फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल होना खरपतवार नाशी प्रयोग के लिए अति आवश्यक है। जिस खेतों में मोथा का दबदबा है, ज़्यादा प्रकोप है, वहाँ पे इस इमाजेथाफिर स्प्रे करने के बावजूद एक हल्का सा हैंड वीडिंग अर्थात हाथ से खरपतवार को निकालना पड़ेगा। खरपतवार नियंत्रण के लिए जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से खरपतवार का दबदबा बना रहता है, तो इसीलिए कम से कम पानी 2-3 सिंचाई बारिश को देखते हुए किसान भाई को करना चाहिए। और इस समय सामर मूंग में शुरू में पत्ती छेदक और पत्ती मोड़र कीट का प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए मेटासिस्टक अथवा रोगर नाम का एक दवाई 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा इस समय नहीं लेकिन कुछ समय बाद मूंग का पत्ती पीला, पत्ती का सारे पौध पीला हो जाता है, ये विषाणु रोग है, तो तुरंत उस पौध को वहाँ से फील्ड से निकाल के बाहर को ही रख दे और उसको मिट्टी में गाड़ दे। और इसके लिए इनका कारण जो है सफ़ेद बोक्की होता है, तो मेटासिस्टक और रोबोट डालने से इनका प्रकोप कम हो जाता है। फिर भी ज़्यादा है तो फिप्रोनिल नामक एक दवाई का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं।